सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब तक की सबसे बड़ी खबर, तारीख में पहली बार भारतीय मीडिया की ISI की खुलकर तारीफ। अफगानिस्तान में ISI ने कैसे भारत और अमेरिका को शिकस्त दी, जनरल हमीद गुल के तारीखी अल्फाज को भारतीय मीडिया ने दोहरा कर ISI को कैसे खराज तहसीन पेश किया, इसका क्लिप आपको दिखाने से कबल मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के मौजूदा ISI चीफ जनरल फैज हमीद इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जहां वो अफगानिस्तान में हुकूमत की तश्कील में मदद देने पहुंचे हैं। इस बात का भारत को कितना दर्द है, इसका अंदाजा आपको इस क्लिप से होने वाला है जो मैं आपको दिखाने लगा हूं। दोस्तों, पहली बार भारतीय मीडिया जनरल हमीद गुल के तारीखी अल्फाज दोहरा कर ISI को खराज तहसीन पेश करने पर मजबूर हो गया। पहले अब जनरल हमीद गुल के तारीखी अल्फाज मुलाहिजा करें। एक बात कहना चाहता हूँ आप के रिकॉर्ड के लिए, शायद कोई और ना कहे, ये जिस ISI को आज मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे कि ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का बहुत पहले से एक मंसूबा रहा है कि एक कठपुतली सरकार काबिल में हो जिससे उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिले। 3-4 दशक से उन्होंने ये कोशिश करी है और अब पाकिस्तान ने जब अमेरिका को वहां से विदाई करवा दी है, आप देखिए सुचरिता, जानना जरूरी है दर्शकों के लिए, हमीद गुल एक ISI के पहले चीफ होते थे, उन्होंने अभी 6-7 महीने पहले एक टीवी के इंटरव्यू में कहा था कि पहले हमने अमेरिका से पैसे लेके रशिया को भगाया, अब हमने अमेरिका से पैसे लेके अमेरिका को भगा दिया है और अब हमारी सरकार वहां बनेगी। अब हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बिल्कुल प्रूफ होता है, मतलब आप साक्ष्य देख लीजिए उसका, कि अब तालिबान की सरकार जो है वो बाय प्रॉक्सी ISI की सरकार काबुल में बनने जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।